बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल टीवी से कौमी मालूमात के साथ मैं हूँ सानिया बुखारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक समेत 8 जजेस को मशकूक खत मौसूल हुआ है। ज़राए के मुताबिक एक जज के स्टाफ ने खत खोला तो उसके अंदर पाउडर मौजूद था। इस्लामाबाद पुलिस के एक्सपर्ट की टीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँच गई, जबकि माहरीन की टीम तहकीकात में मशगूल है कि पाउडर क्या है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान ने डियाला जेल में केस की समाअत के दौरान दावा किया है कि अहलिया बुशरा बीबी को बनी गाला में जहर दिया गया। डियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समाअत हुई। इस दौरान बानी पीटीआई का एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राणा से मुकालमा हुआ। बानी पीटीआई ने दावा किया कि बुशरा बीबी को बनी गाला में जहर दिया गया। शक है कि बुशरा बीबी को जहर दिया गया, मुझे पता है कि इसके पीछे कौन है। शोरकोट की बस्ती टिब्बा आज भी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। बिजली तो मौजूद है, मगर बिजली के खंभे न होने की वजह से लटकी तारें किसी भी बड़े सानहे का सबब बन सकी हैं। इसी हवाले से मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे अब्दुल वाहिद मुजाहिद से। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं शोरकोट तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल के बिल्कुल सामने बस्ती टिब्बा में। यहाँ के इलाका मकीन सरापा एहतजाज है कि वापडा एहलकारान या अफसरान को मुतद्दिद दफ़ा दरख्वास्तें भी दे चुके हैं। 2002 से इनका ये सिलसिला चला आ रहा है। ये लटकती तारें नंगी किसी बड़े सानहा का मुंतजर हैं। मुतद्दिद दफ़ा बच्चों को और बड़ों को यहाँ पे करंट भी लग चुका है, मगर वापडा के एहलकारान के कानों तक यूँ तक नहीं रेंग रही। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि वहाँ यहाँ उनका गुजर बसर कैसा हो रहा है और वापडा का उनके साथ सलूक कैसा है और उनका बर्ताव का क्या रद्द अमल है जो इन्होंने दरख्वास्तें दी हैं। जी सर, कई दफ़ा दरख्वास्त दे चुके हैं लेकिन कोई भी रद्द अमल नहीं पेश आ रहा उनकी तरफ से। आप ये तारें देख ले एक दफ़ा, ये जंगल बना हुआ है। कई दफ़ा बच्चों को करंट लग चुका है, खंभों का कहा है। कई सियासतदान आते हैं, उन्हें खंभों का कहते हैं, ठीक है जी लगवा देंगे, वोट लेते हैं लेकिन हमारी तरफ नहीं देखते। ये मेरे साथ ये बुजुर्ग भी हैं काफ़ी, आप देख लें एक दफ़ा। ठीक, ये बग्गी दाढ़ी है इनकी, इन्होंने भी कई दफ़ा कई सियासतदानों के पास भी गए हैं लेकिन कोई काम नहीं हो रहा है। वापडा वालों के पास जाते हैं बिल लेने के लिए तो वो पहले ही आ जाते हैं, डेट से पहले, जी हमें बिल दे। कन्नी पे नाखन रख लेते हैं, जी बिल दे। ठीक है, और इसका किसने देखना है? हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, ये जंगल बना हुआ है। आप एक दफ़ा देखें तो सही, सारी तारों की तरफ एक दफ़ा करें ना, तारों की तरफ करें सर। ये जंगल बना हुआ है, यहाँ पे बच्चों का गुजर है, बड़ों का गुजर है, अंधेरी तूफान है, उनके साथ क्या हाल होगा अगर कोई गिर जाता है, बच्चे कोई मर जाते हैं? लेकिन वापडा वालों के सर में वो जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल जो ही नहीं रोएंग रही। कई दफ़ा गए, कई दफ़ा सरापा एहतजाज में, लेकिन कोई एक्शन नहीं, किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं। सियासतदान जो है हमारे इधर के बड़े बड़े MNA MP उनके पास जाते हैं, जी बस ठीक है जी काम हो जाएगा, पता नहीं कब होगा सर। हम तो बेचारे, ये कई नुकसान हो सकते हैं, कई जान जा सकती हैं। सोचना चाहिए, सियासतदानों को भी सोचना चाहिए, वापडा वालों को भी सोचना चाहिए। कोई नहीं हमारे बारे में सोच रहा है। वो खंभों का कहता जी लग जाएंगे, वोट दें, हम आपके साथ हैं, आप वोट दें, लग जाएंगे जी खंभे। और वोट भी दे दिए, सब कुछ कर दिया, हमारे हाल पर रहम खाओ, खुदारा रहम खाओ, कोई रहम खाने जी, वाला जी। जैसा कि शहरी ने बताया है कि यहाँ MPA MNAs और मुतलका जो सियासतदान हैं उनको भी बारहा गुजारिश कर चुके हैं और फैसलों के आला अफसरान भी मुतअद्दिद दफ़ा उनको दरख्वास्तें भी दे चुके हैं। ये अवाम एहतजाज करती हुई नज़र आ रही है कि इनका ये मसला फिलफौर हल किया जाए और इनकी अपीलों को ज़ेर गौर लाया जाए। सनियोट रसुआ चौक अरसा दराज से हस्ताहाली का शिकार है। रोड पर ट्रैफिक हादसा मामूल बनते जा रहे हैं। रसुआ चौक की सिवरेज खराब होने से बारिश रहमत की जगह जहमत बन जाती है। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे अब्दुल रहमान ताहिर सियाल की इस रिपोर्ट में। आज बिल्कुल मौजूद इस टाइम रजुआ चौक पर, जो कि अरसा दराज से खस्ता हाली का शिकार है। 2008 में डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट थी और डिस्ट्रिक्ट साहब थे, उनकी जाती दिलचस्पी की वजह से इस रोड को तामीर तो कर दिया गया, मगर आज 2020 तक इस रोड को ना ही देखभाल की गई, ना डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ से, ना ही हमारे जो डीजी MNA MPS उनकी तरफ से, जिसकी वजह से रोड आज खस्ताहाली का शिकार है। आए रोज इस रोड पे एक्सीडेंट की तादाद में भी इजाफा देखने को मिलता है और खास तौर पे मेन मसला ये है कि इस रोड पे कभी गलती से अगर बारिश हो जाए तो वो बारिश जो है वो रहमत की जगह जहमत बन जाती है। आइए हमारे साथ शहरी मौजूद है, इनसे पूछते हैं सवाल ऐसे की क्या रहा है। ये वाहिद रोड है जो शहर को देहातों से लिंक कर रहा है, शहर का एंट्रेंस पॉइंट भी इसे कहा जाता है। उसके साथ साथ इस रोड पर एक थाना सिटी मौजूद है, नंबर दो यहाँ पर लड़कियों को हाई स्कूल मौजूद है। अगर यहाँ पर बारिश का पानी खड़ा हो जाए तो लोगों को बहुत सी मुश्किल के सामने और ख़ासकर बच्चियों को यहाँ पर गुजरने में दुश्वारी पेश आती है। हमारे ही
दिल इंतजामी है और हुकूमती नुमाइंदान से गुजारिश है कि इस रोड को जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। यहाँ पर हादसात का भी सबब बन रहा है, ये रोड तामिर ना होने की वजह से आधा रोड तामिर हो चुका है पीपल चौक तक, ये तकरीबन 1 किलोमीटर का टोटा है। हमारी हुकूमती नुमाइंदगान से गुजारिश है कि इस बजट में इसका बजट रख कर इस रोड को मुकम्मल किया जाए। अजीब को मैं शहरी मौजूद थे, उनका ये कहना था ये रोड जो है तकरीबन जो चौक से पीपल चौक तक 1 किलोमीटर का जो है वो रोड बनता है, जल्द से जल्द जो है इस रोड की तामीर को भी यकीनी बनाया जाए। और साथ साथ जो मेन इशू है जो सीवरेज का बहुत बड़ा जो इशू है, जिसकी वजह से यहाँ पर अगर बारिश आ जाए तो पानी जो है रुक जाता है और शहरी बहुत ज़्यादा इससे परेशान होते हैं। कैमरा मैन टीम के साथ मेहरबान सियाल, स्पेशल टीवी चनियोर। रहीम यार खान ने वजीर अला पंजाब मरियम नवाज शरीफ और आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के वीएन के मुताबिक पुलिस आवाम की जानो माल और तहफ्फुज के लिए दिन रात कोशिश है। डीपीओ का कहना था कि सिंध पंजाब बॉर्डर कांस्टेबल चेक पोस्ट पर एंटी हनी ट्रैप सेल की कार्रवाई में 2 अफराद को अगवा होने से बचा लिया गया। स्टार्ट योर जर्नी टूवर्ड्स रहीम यार खान अपर पंजाब की साइड से, तो हमने बहुत से बड़े बिल बोर्ड वहाँ पे लगाए हुए हैं ताकि वो लोग जो पहले इस साइड पर नहीं सफर करते हैं उनको बता सकें कि इनकेस दे हैव रिसीव्ड एनी कॉल जिसपे उनको सस्ती गाड़ी का झांसा दिया गया है, नौकरी का दिया गया है, शादी का दिया गया है, किसी कारोबार के सिलसिले में बुलाया गया है, तो वो रहीम यार खान पुलिस का जो फैसिलिटेशन सेंटर है उससे रब्ता करें और हम आपको बताएंगे कि क्या आप जिन बंदों से बात करने जा रहे हैं वो वाकई ही बोनाफाइडी कोई बिजनेसमैन हैं या आप ट्रैप होने जा रहे हैं। इस सिलसिले में हमें इंटेलिजेंस इदारों का भी बहुत सपोर्ट रही है और हमारी जो आईटी की टीम है वो भी 24/7 काम करती रहती है। दैट इज़ द रीज़न कि हमारा जो फिगर है फॉर लास्ट 13 मंथ्स और सो इट्स मोर देन 500। हम कॉन्स्टेंटली इन टच हैं विद कश्मीर पुलिस, घोटकी पुलिस, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पे हनी ट्रैपिंग विक्टिम्स को रखा जाता हो, इसको सिर्फ एज अ कॉन्ड्यूट यूज़ किया जाता था। चेक पोस्टों पर कायम हनी ट्रैप सेल के जरिए अब तक 419 लोगों को अगवा होने से बचाया गया है। फेसबुक यूज़ कर रहा था, वहाँ पर मैंने ऐड देखी फेसबुक पर, तो वो हमारे सामान से रिलेटिव थी, इन्वर्टर वगैरह ना, सोलर पे चलने वाले इन्वर्टर वगैरह थे, तो वो हमारे सामान से रिलेटिव थी, तो मैंने उस वहाँ से उस बंदे का नंबर ले लिया, फिर उससे मैंने रابطہ किया तो उसने कहा जी बिल्कुल हमारे पास होते हैं इन्वर्टर वगैरह, आप आ जाएं बैठ के जो होगा वो गुफ्तगू वगैरह वो कर लेंगे। तो हम घर से निकल पड़े सुबह, तो हम तकरीबन कोई 12 बजे के टाइम ये अपना सादगाबाद से थोड़ा सा आ गया कोर्ट सब्जल चेक पोस्ट, सकलैन साहब इंचार्ज थे और SHO मलक मोहम्मद सलीम साहब वहाँ के SHO थे, तो उन्होंने हमें रोका, तो शिनाख्त वगैरह हम हाईएस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे थे हाईएस्ट में ना, तो वहाँ थे, तो उन्होंने हमें रोका तो बुलाया, तो उन्होंने पूछा, तो हमने उनको बताया कि इस तरीके से हमारा फेसबुक से कॉन्टेक्ट हुआ है, तो वो अब हम उन भाई के पास जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा ये तो अल्लाह ने आपको बचा लिया, आप ट्रैप होने से बच गए हो, अगवा हो रहे थे आप तो, क्योंकि ये तो बड़े मशहूर डाकू हैं कच्चे के। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हदायत पर सुतरा पंजाब मुहिम के तहत जंग सिटी में SRUL कासमी पार्क को बहाल कर दिया गया। सालों से पड़े कूड़े के ढेरों को उठाने के बाद सफाई का अमल मुकम्मल कर लिया गया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उमैर ने पार्क की बहाली के बाद दौरा किया और पार्क में पहला पौधा लगाया। मंडी उस्मानवाला में रोजाना वारदातें मामूल बन चुकी, डाकू ने शहरी शाहीन जफर से मोटरसाइकिल सवार मुसल्ला डाकू ने 2.5 लाख की नकदी छीन ली। रोजाना की बुनियाद पर होने वाली वारदातों ने शहरियों का सुकून बर्बाद कर दिया, बढ़ती हुई वारदातों ने शहरियों को तशवीश का इजहार किया। मुजफ्फरगढ़ पुलिस की डकैत गैंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, भारी तादाद में नाजायज असलहा, 6 लाख रुपए नकदी समेत कुल 26 लाख रुपए मालियत का सामान बरामद कर लिया गया। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं खालिद नदीम की इस रिपोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मुजफ्फरगढ़ सईद हुसैन हैदर की सरबराही में SDPO सिटी सरकार रेहान रसूल की जेर निगरानी SHO थाना सदर मुजफ्फरगढ़ इफ्तिखार अली मलकानी अपनी टीम के हमरा डकैत गैंग के खिलाफ बड़ी कामयाब कार्रवाई की। SHO इफ्तिखार अली मलकानी ने 4 रुकनी रोंगा गैंग के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनके कब्जे से 2 क्लाशनकोफ, 7 पिस्टल बरामद कर लिए। चोरी शुदा और डकैती के 6 मोटरसाइकिल, 26 लाख मालियत का सामान बरामद कर लिया गया। सीनियर इमरान खान के कत्ल का मामला हल हो गया, शोहर के तलाक न देने पर बीवी ने भाई और आशना के साथ मिलकर शोहर को कत्ल कर दिया।
कत्ल के बाद वाके को गैस सिलेंडर धमाके की शक्ल दे दी गई। मजीद तफसीलात जानते हैं ताहिर सियाल की इस रिपोर्ट में। चनियोट गैस सिलेंडर धमाके से इमरान खान नामी शख्स की हलाकत का भांडा फूट गया। थाना ललिया पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मकतूल के कातिल गिरफ्तार कर लिए। दौरान तहकीकात इंकशाफ हुआ कि यह हादसाती मौत नहीं बल्कि इमरान खान को कत्ल किया गया। मकतूल की बीवी समिया बीबी ने अपने भाई इरफान आशना खलील के हमरा मकतूल को नशावर गोलियां देकर गला दबाकर कत्ल किया। मुलजिमान ने मकतूल की लाश को किचन में रख कर गैस सिलेंडर लीक करके आग लगा दी। मुलजिमान ने मकतूल की लाश को आग लगाकर हादसाती मौत का ड्रामा रचाया। मुलजिमा समिया बीबी के मुलजम खलील अहमद के साथ नाजायज ताल्लुकात थे। मुलजिमा शोहर से तलाक चाहती थी। शोहर के तलाक न देने पर मुलजिमा ने भाई और आशना से मिलकर शोहर को कत्ल कर दिया। ओकाड़ा पुलिस के 7 अफसरान की सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर रैंक पर प्रमोट होने वाले पुलिस अफसरान को डीपीओ ने प्रमोशन बैंच लगाए। डीपीओ मंसूर अमान ने तरक्की पाने वाले पुलिस अफसरान से गुफ्तगू करते हुए कहा कि रैंक बढ़ने के साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। अपने फराइज़ मनसबी को मजीद अहसन तरीके से सर अंजाम दें। ओकाड़ा ट्रक की सामने से आते हुए मोटरसाइकिल को टक्कर। हादसा तेज रफ्तारी और लापरवाही की वजह से पेश आया। हादसे में मोटरसाइकिल पर सवार नीति कॉलेज के दो नौजवान जख्मों की ताब ना लाते हुए जाँ भाग हो गए। इत्तला मिलने पर एम्बुलेंस फौरन जाए हादसा पर पहुंच गई। हाफजाबाद में पंजाब पुलिस ने तमाम हदें पार कर दी। चादर चार दीवारी का तकद्दस पामाल करते हुए घर में घुसकर फायरिंग की और तोड़फोड़ करते हुए मुबैना तौर पर घर से नकदी तलाई जेवरात भी ले उड़े। मजीद तफसीलात जानते हैं शफकत अली पहलवान की इस रिपोर्ट में। हाफिजाबाद के इलाका हवाई अड्डा के करीब मोहम्मद अरशद के घर पर लाहौर CIA पुलिस ने मुबैना तौर पर बगैर किसी FIR के घर पर रेड किया और फायरिंग की, जिसकी सद में आकर एक खतून जख्मी हो गई। पुलिस खौफ हिरास फैलाकर दरवाजे तोड़कर अंदर दाखिल हो गए और कमरों से अलमारियों में पड़े तलाई जेवरात और नकदी मुबैना तौर पर ले उड़े। लाहौर से CIA पुलिस आई है चुंग से, ठीक है, यहाँ पे उन्होंने गाड़ी खड़ी की और इधर से सीढ़ी लगा के इधर अंदर दाखिल हुए। तकरीबन 15 से 20 लोग थे और उन्होंने यहाँ पे अंधाधुंध फायरिंग की है। बच्चे बीच में सोए थे, औरतें, हमारी औरतें भी, वो खौफ और आस से उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला। इन्होंने सीढ़ी लगा के ऊपर ममटी से लगा के अंदर दाखिल हुए। उसके अलावा उन्होंने अंदर लड़के ने दरवाज़ा लगा हुआ था, उन्होंने दरवाजे पर सीधे 2 फायर मारे हैं। बच्चे ने खौफ से डर के उन्हें दरवाज़ा खोला और अंदर हमारी अलमारियाँ पेटियाँ उन्होंने तोड़ी हैं। उधर से हमारे जेवरात और कुछ पैसे थे जो उठा के वो ले गए हैं और साथ में हमारे 3 बच्चे भी ले गए हैं सर। तो खुदारा लिहाजा IG पंजाब से रिक्वेस्ट है हमारी कि ये जो है ना, ये बदमाशी बंद की जाए, गुंडागर्दी बंद की जाए। इन्होंने हमारे आए रोज़ 10 या 12 दिन के बाद रोज़ कोई ना कोई CIA पुलिस गुजरांवाला लाहौर से और या उधर से कोई नवाकोट से और साइबर क्राइम फैल गुजरांवाला से भी यहाँ से बच्चे हर रोज़ उठा के ले दे और बत्था मांग दिया हमारे से। देखिए गुरा IG पंजाब साहब, हम सिर्फ एक ओड बरादरी से ताल्लक रखते हैं। हमारा जुर्म बस ये कि हम ओड है। पुलिस इधर से आई है, अंदर उन्होंने रेड किया है, 20-25 आदमी थे। उन्होंने इधर दरवाजे दरवाजे भी तोड़े हैं, फायर मारे हैं, तो एक लड़की को फायर भी लगा हुआ है। तो वो ऐसे है क्योंकि वो बत्था मांगते हैं, जिस आदमी को पकड़ के लेके जाते हैं उसके 5 लाख 10 लाख मांगते हैं। हम तो मेहनत मजदूरी करते हैं ना, ये लोग कहते हैं जी ये 2 लंबरी करते हैं। 2 लंबरी हमारे में बिल्कुल नहीं है। हमारे ID कार्ड चेक किए जाएँ, क्योंकि हम बाहर काम करते हैं, बाहर कंट्री में अपनी मेहनत मजदूरी करते हैं। तो बहरहाल ये ज़बरदस्ती कर रहे हैं, तो ये तो काम अच्छा नहीं है। तो जो वज़ीर आला मरियम नवाज से भी ये किया जा रहा है, भी अपने महकमे को जरा इसको ना थगेरे, ये काम सही नहीं कर रहे हैं। 2 लंबरी काम कर रहे हैं, बिल्कुल पैसा ले रहे हैं, बत्था ले रहे हैं। ये हम भी पाकिस्तानी शहरी हैं, बाहर के तो शहरी हम भी नहीं हैं। तो ये हमें इंसाफ दिया जाए, ये बहुत जुल्म कर रहे हैं। मुतासरा ख़ानदान का वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब से मुतालबा है कि हमारा जुर्म सिर्फ इतना है कि हम ऊँट हमारे बच्चों को अगवा करके पुलिस हमसे बत्ता मांगती है। खुदारा हमें इंसाफ दिया जाए। सूनिया में अफसोसनाक हादसा। हादसे के नतीजे में एक शख्स मौका पर जाँ भाग, 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू 1122 टीम मौका पर पहुंच गई और लाश और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। मुकामी पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर जब्ते की कार्रवाई शुरू कर दी। सियालकोट कंटोनमेंट इंतजामिया की नाअहली के बाइस पीले यरकान में मुबला 3 अफराद 5 रोज के अंदर दम तोड़ गए। शहरी यक के बाद दीगर पीले यरकान के मर्ज में मुबला होने लगे। मोसिर शहर सरकारी पानी के नल मोद बांटने लगे। सदर कैंट की वार्ड नंबर 7 में 2 खवातीन समेत 30 साल नौजवान पीले यरकान के बायस दम तोड़ गया। पीले यरकान के दौरान लगाया जाने वाला इंजेक्शन हैपा मर्ज मार्केट से गायब है।
वज़ीर-ए-आला पंजाब के कमांड पर लाहौर इन्वेस्टिगेशन विंग ने साइबर क्राइम सेल का क्याम आखिरी मराहल में दाखिल। SSP इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनूज मसूद की सरबराही में पुलिस अफसरान के इंटरव्यूज जारी। पुलिस लाइन किला गुजर सिंह में होने वाले इंटरव्यूज में FIA अफसरान भी शामिल थे। सिलेक्ट होने वाले मेल और फीमेल पुलिस अफसरान को FIA सेफ सिटी और CRA से कोर्सेज करवाए जाएंगे। कोर्सेज मुकम्मल होने के बाद अफसरान को मुख्तलिफ थानों में तैनात किया जाएगा। मशहूर शायर अदीब और सदारती एवार्ड याफ्ता नज़ीर कैसर की अहलिया के साथ नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की डकैती की वारदात, मोबाइल और नकदी लेकर फरार हो गए। मजीद उनका क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। दौरे जदीद में भी हादसा रोनुमा होते हैं तो ऐसा लगता है कि अभी भी आज भी हम पत्थरों के दौर में जी रहे हैं। मशहूर शायर, मशहूर अदीब और सदारती एवार्ड याफ्ता नज़ीर कैसर की अहलियाँ, जो कि खुद भी इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, उनके साथ एक हादसा पेश आता है जिसमें नामालूम मोटरसाइकिल सवार उनके हाथ से नकदी और मोबाइल फ़ोन छीनकर फरार होते हैं। आइए इनकी कहानी जानते हैं कि आखिर ये तमाम मामलात क्या थे। अस्सलाम वालेकुम मिस, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? जी बिल्कुल खैरियत से हूँ। मिस, सबसे पहले आप ये बताएं कि वो क्या टाइम था, किस वक्त आप कहाँ से आ रही थी कि जब आपके साथ ये हादसा रोनुमा हुआ? मैं लाहौर ग्रामर स्कूल में स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में हूँ और OPF के अंदर ही स्कूल है और वहीं पर मेरा सी ब्लॉक में घर है और मेरे हस्बैंड नज़ीर कैसर, हम सुबह वॉक करके वहाँ तक जाते हैं तो वो मुझे स्कूल छोड़ने के लिए आते हैं। तो ऐसा हुआ कि जो ही हम पहुँचे हैं पार्क से कुछ पहले, कोई 7-8 मिनट की वॉक के बाद मैं ऐसे राइट साइड, अच्छा ये सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, ये जो आप सुबह के वक्त निकली थी, आप वॉक के मूड से निकली थी कि आप अपने ऑफिस जा रही थी? वॉक पैदल जाती हूँ क्योंकि वॉकिंग डिस्टेंस पे है, तो पैदल जा रही थी कि सब साथ ही थे तो चलते हुए जा रहे थे तो एक बाइक पे दो लड़के थे वो पास से गुजरे हैं और उन्होंने मेरा मोबाइल पर्स जो मेरे हाथ में था छीनने की कोशिश की। क्योंकि मैं खुद एथलीट हूँ और मैंने रिजिस्ट करने की कोशिश की, मैं कितनी दूर तक बाइक वालों को खींचती हुई रोकने की कोशिश करती रही। उस बाइक पे दो नौजवान सवार थे? दो नौजवान तो सवार थे। आपके हिसाब से उनकी उम्र कितनी थी? तकरीबन वो 35 साल से ऊपर की उम्र के थे और शलवार कमीज़ दोनों ने पहनी हुई थी और लग रहा था कि ये कुछ मजदूर वगैरह नहीं है, कोई ऐसे ही काम करने वाले हैं, यानी कि आम एम्प्लॉयज़ लग रहे थे, वर्किंग एम्प्लॉयज़। तो मिस उन्होंने क्या कोई नकाब पोश थे उन्होंने फेस के? नकाब नहीं उन्होंने पहने हुए थे, लेकिन ये इस तरह का मौका होता है कि बाइक में फेस उनके सामने होते हैं। वो जो बैक पे बैठा हुआ था उसने मेरा पर्स स्नैच किया तो मैंने भी रेजिस्ट काफ़ी देर किया, एक तकरीबन मैं काफ़ी दूर उनको रोकने की कोशिश करती रही, वो भी लड़खड़ाते रहे, लेकिन यह है कि जब उन्होंने बहुत ज़ोर से खींचा मैं गिरने वाली थी तो मुझे एक सब की बात याद आ गई, उन्होंने कहा कि जान ज़्यादा कीमती है, आप इन चीज़ों पे मत पड़े। अच्छा, आपने पूरी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि मैं उनको रोक लूँ, उनका रास्ता ब्लॉक कर लूँ? सोच रही थी कि मैं इनको गिरा दूँ लेकिन चूँकि जो आगे था ना वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था तो मैंने एक दो बार हिलाने की भी कोशिश की, वो हिला तो सही लेकिन गिरा नहीं और फिर वो निकल गया। और मुझे इस बात की खुशी है कि लोग देख के खड़े नहीं रहते, सामने एक सुपरवाइज़र था उसने मोटरसाइकिल पे सवार हुआ, उसके स्टार्ट करते ही वो गेट से निकल के तो सर्विस एरिया में चले गए जिस वजह से फिर वो पकड़े नहीं जा सके। मिस मुझे आप ये बताइएगा कि जब उन्होंने आपके हाथ से पर्स खींचा तो आपके वो जो आप पर्स जो था वो आपके हाथ में था कि आपने शोल्डर के साथ हैंग किया हुआ था? नहीं, मेरे हाथ में था, पहले मैंने इस तरह अपने बाजू में रखा हुआ था, फिर कुछ फासले पे मैंने लटका लिया। और उस पर्स में क्या क्या था? उस पर्स में मोबाइल था और काफ़ी पैसे थे और मुझे अफसोस इस बात का है कि गुलशन लाहौर में मैं स्ट्रीट स्टूडेंट को पढ़ाती हूँ 4 से 7 फ्री ऑफ कॉस्ट और उनकी ईद के फंक्शन के लिए मुझे कुछ तैयारी करनी थी इसलिए पैसे उसमें रखे हुए थे। तो वो फंक्शन तो खैर
मेरे हस्बैंड ने कहा अब जो भी हो गया वो तो हम करेंगे। तो फिर हम उस जगह पे भी पहुंचे, जाके हमने सारे आज अरेंज भी किए हैं और कल तकरीबन 3 बजे हमने ईद गिफ्ट उन गरीब बच्चों को देने हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि जिनके पास है वो तो ये ईद वगैरह अच्छी इंजॉय कर लेते हैं, लेकिन जिनके पास नहीं है उनके लिए बहुत मुश्किल है। तो मेरे हमने देने से कुछ यतीम बच्चों तो एक हमारी दो मैं इतनी नकदी आप लेकर जा रही थी, आपने कुछ ईद गिफ्ट्स का इंतज़ाम करना उन बच्चों के लिए, सही है जी? कुछ मैंने इंतज़ाम करना था, कुछ मेरी दोस्त हैं डॉक्टर नौशीन खालिद, उन्होंने अपनी एक फ्रेंड को और उन्होंने कंट्रीब्यूट करके वो किया हुआ है, उनके तो जो गिफ्ट थे वो तो आ जाएंगे, लेकिन हमने आज दोबारा कोशिश करके तो उनके लिए आज शाम हम निकले हैं। तो चूँकि कैश साहब को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला है तो उनमें उनसे अब मैं कुछ पैसे लूँगी और फिर हम उनकी ईद गिफ्ट के लिए खरीद। ये तो बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल थी, क्या आपने ये तमाम सूरत हाल किसी ना किसी थाने में रिपोर्ट किया? जी मैंने 15 पे जब कॉल किया, एक वहाँ पे मजदूर था उससे सुपरवाइज़र से फ़ोन लेके, तो बहुत जगहों से फ़ोन आने शुरू हो गए, लेकिन ये है कि पहुँचते पहुँचते उन्हें तकरीबन 1 घंटा लग गया और मैं शुक्र गुजार 15 की सर्विस को पहुँचते पहुँचते 1 घंटा लग गया। 15 की सर्विस वालों ने करीबी थानों को इत्तला दी और वहाँ से मोहम्मद ताहिर सब इंस्पेक्टर आए जिन्होंने सारी रिपोर्ट वगैरह दर्ज की, और पुलिस का भी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो पूरी कोशिश करते हैं कि इस चीज़ को करें, और अब मैं उम्मीद करती हूँ कि वो ये सारी चीज़ें, क्योंकि मोबाइल का गुम हो जाना, शिनाख्ती कार्ड का गुम हो जाना और बहुत सारे आपके पैसे हों जो आपने एक नेक मकसद के लिए अपनी मेहनत में से उनको बचा के रखे हैं और वो कोई छीन के ले जाए तो फिर तकलीफ होती है। साहब तो इंटरनेशनल कोच भी रही हैं, कुछ उस हवाले से मैं बताएंगे? बस ये है कि मैं समझती हूँ कि मैं कोच हूँ, प्लेयर हूँ और अब माशाल्लाह मेरी एज भी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इसके बावजूद मैं बिल्कुल घबराई नहीं, मैं डरी नहीं, मैंने उनका मुकाबला किया। और मेरे स्कूल वाले, जब मैं स्कूल पहुँची, मेरे स्कूल से सर रऊफ और आशिर आए और उन्होंने जितना वक्त मैं वहाँ रुकी उन्होंने रिपोर्ट लिखी और इस तमाम कार्रवाई में उन्होंने हमारी हेल्प की। तो अब आपको क्या फीडबैक मिला कि ये कार्रवाई जो है वो कितने घंटे बाद आपको जो है वो हम कोई फीडबैक देंगे, कोई इस तरह का उन्होंने आपको बताया? उन्होंने कहा कि कोशिश करेंगे कि ये मिल जाए, लेकिन मैं समझती हूँ कि ऐसे वाक़यात, एक OPF सोसाइटी है जिसके डी ब्लॉक में ये हादसा हुआ है। तो मिस उस टाइम पे गार्ड नहीं होते, गार्ड तो जो है वो राउंड अप कर रहे होते। जी गार्ड जो गेट पे बैठा था जब वो निकले हैं दो आदमी, तो उन्होंने शोर किया लेकिन पता नहीं उसकी कान में आवाज़ नहीं आई, वो मेन गेट से निकल के राइट को वो क्षत्री वाले चौक की तरफ चला। यानी कि गार्ड खामोशी के साथ बैठा रहा और जो है वो जो मोबाइल वारदात जिन्होंने की है वो आगे निकल, वो गेट पे था ना, तो गेट से जब वो निकले हैं तो उसको पता नहीं चला या वो ज़्यादा एक्टिव नहीं था कि उसको कोई दो लोग पर्स छीन के भागे हैं और मजदूर भी ऊपर से उनको आवाज़ें लगा रहे हैं कि रोके रोके, तो उनको पता नहीं चल सका। जी तो नाज़रीन तमाम तफसीलात आपने देखी कि किस तरह से दौरे जदीद में भी आम आदमी, आम शहरी जो है वो इंसाफ का तलबगार है। इन्होंने अपनी ज़बानी बताई कि इनके साथ ये तमाम वाक़या जो है वो कैसे पेश आए, ये तमाम वाक़या किस तरह से शुरू हुआ और फिर ये एंड अप कहाँ पे हुआ। तो इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। लाहौर तहरीके इंसाफ की मरकजी रहनुमा ज़ेबा नाज़ का कहना था कि मेरी जमात 8 फरवरी के जनरल इलेक्शन की तरह ज़मीनी इलेक्शन में भी इमरान खान और चौधरी परवेज़ इलाही की क़यादत में रिकॉर्ड वोट हासिल करेगी। चौधरी परवेज इलाही गुजरात और चौधरी मोनिस इलाही अपने मद्दे मुकाबल इलेक्शन लड़ने वालों को उनकी सियासी इमाजगाहों में धकेल देंगे। जेलम पुलिस का जराइम पेशा नासिर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी, 3 मंशियात फरोश मुलजिमान समेत नाजायज असलहा रखने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान से भारी मकदार में चर्स, शराब और नाजायज असलहा बरामद हुआ। मुलजिम के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया। मियांवाली पुलिस ने आलिया हमजा और सनम जावेद को 9 मई मुकदमात में सरगोधा की इंसादी दहशतगर्दी की खसूसी अदालत में पेश कर दिया। दोनों को गुज़िश्ता दिनों कोट लखपत जेल से जमानत के बाद गिरफ्तार किया गया था। दोनों पर मियांवाली में 9 मई को थाना कमर मशानी और पाकिस्तान एयरफोर्स बेस पर हमला करने का इल्जाम था। दहशतगर्दी की खसूसी अदालत ने मुलजिमान को 14 रोजा डिमांड मंजूर कर दिया।
लेस्को की शाहपुर सब डिवीजन का बिजली चोरों के खिलाफ ब्रेकडाउन दौरान ऑपरेशन। 30 क्वार्टरों में बिजली चोरी पकड़ी गई। क्वार्टर अली अफाक नामी शख्स की मलकियत थे। तमाम क्वार्टरों में लेस्को की एलजी लाइट से डायरेक्ट सप्लाई लगाकर बिजली चोरी की जा रही थी। एसडीओ मोहम्मद हसन रजा ने मौका पर कार्रवाई करते हुए तमाम सप्लाई बंद कर दी और तारें कब्जे में ले ली। खानपुर की यूनियन कौंसिल के एरिया इंचार्ज और WHO के यूनियन कौंसिल सपोर्ट पर्सन के साथ तहसील खानपुर की गुज़िश्ता दिनों में की गई पोलियो मुहिम की मुकम्मल रिपोर्ट ली गई। इस मौका पर तहसील पोलियो ऑफिसर WHO उस्मान बलोच ने तमाम एरिया इंचार्ज से फर्दन रिपोर्ट तलब की और पोलियो के खात्मे के लिए अपने VN का इरादा करते हुए कहा कि टीमों को किसी भी मुश्किल में अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। शादी लाश के करीब गांव न्याजी फार्म के घरों को अचानक आग भड़क उठी। घरों में सारा सामान जलकर राख हो गया। मुतासरीन का कहना था कि फायर ब्रिगेड को कॉल पर इत्तला देने के बाद भी अमला ना पहुंच सका। आग लगने के वाकयात में इजाफे के बाद शादी लाश के अवाम ने आला हुकाम से फायर ब्रिगेड की सहूलत का मुतालबा कर दिया। SSP सखर आबद अली बलोच की हदायत पर STPO साइड मैडम पास की सरबराही में जराइम पेशा अफराद समेत समाजी बुराइयों में मुलविस मुल्जिमान के खिलाफ छापा मारकर कार्रवाइयां जारी। मंशियात फरोश जवारियों इश्तहारी मुल्जिमान को हिरासत में ले लिया गया। मुल्जिमान के कब्जे से आकड़ पर्ची बक्स जुआ के मुख्तलिफ इकसाम के गेम्स मोबाइल फोन और नकदी कैश बरामद कर लिया गया। SSP सखर आबद अली बलोच ने पुलिस टीम को शाबाश दी। उमरकोट में प्रेस क्लब के सामने कोर्ट 29 डेली वेजेस मुलाजमीन का एहतजाजी मुजाहिरा। कोर्ट 19 डेली वेजेस मुलाजमीन की जानिब से 13 माह गुजरने के बावजूद भी सैलरी ना मिल सकी। मुजाहिरीन का वजीर अला सिंध और मुतलका हुकाम से मुतालबा है कि ईद से पहले पहले सैलरी दी जाए। जैकबाद पुलिस की कार्रवाई, पुलिस मुकाबला, दो मुल्जिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए। जख्मी हालत में गिरफ्तार मुल्जिमान के कब्जे से बगैर लाइसेंस एक कलाशनकोफ, एक TT पिस्तौल बरामद कर ली गई। गिरफ्तार मुल्जिमान के दीगर 6 साथी फायरिंग करते हुए फरार हो गए। गिरफ्तार जख्मी मुल्जिमान को फर्स्ट एड के बाद सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। उमरकोट मजहबी भाईचारे की बेहतरीन मिसाल डॉक्टर अभिमान परमार की जानिब से मसीही बरादरी के मुकद्दस दिन ईस्टर के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें खवातीन, बच्चों, मर्दों और बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। इस मौका पर डॉक्टर अभिमान परमार का कहना था कि मजहबी अकलियतों के साथ भाईचारे, हम आहंगी और रवादारी के रवैयों से एक बेहतर पुरअमन माशरा तश्कील पाएगा। बलोचिस्तान के जिला खारान में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के कैंप में सहूलत न होने की वजह से लोग परेशान। माह रमजान के मुकद्दस महीने में लोग गर्म धूप में इंतजार करने पर मजबूर। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे काशिफ बलोच की इस रिपोर्ट में। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम, मैं हूं काशिफ बलोच। आज मैं मौजूद हूं बेनजीर इनकम सपोर्ट के कैंप साइट पर। नाजिन, जैसे की आप देख रहे हैं पीछे काफी औरतों की रश लगी हुई है। यहाँ सहूलत न होने की वजह से लोग सुबह आते अपने पैसे वसूल करने के लिए और शाम तक इधर होते हैं। इस धूप में, इस गर्मी में, इस रोजे में इनको सहूलत मुयसर नहीं है। इसी बाबत आज हम इधर आए हैं कि लोगों के इस बारे में क्या ख्याल। मसो मतलब उठाते हैं मुझे इधर काटा नजगिता मखलूक है शस्ता नजगिता करते हैं कि भाई शुमें पैसा आता है उसमें पैसा नम्बर है रवनता कायन जागुजारोचगी भाई इच्छी ने गुआश वाला मरदम शहरत है मरदम कायन शहरत इनकार बह गए सिफारिश वाला इनकार बह गए थे शायद जन है मरदम आवानी जो भी लेकिन कुछ वाला का था उनका आना भी बलोची जबान ने यही कहा कि यहाँ सिर्फ सिफारिश वालों का काम नहीं होता है, जबकि हमें हम दो दिन पहले भी आए हैं उसी तरह हमें जलील किया हुआ है। यहाँ बेनजीर इनकम सपोर्ट वालों की जो इंतजामिया है उसी की जानब से, और आज हम दोबारा आए सुबह से लेकर अभी तक हम फिर अभी तक हमारे पैसे हमें नहीं मिले। लोग आते हैं अभी तक उनका मसला नहीं हुआ है, अभी तक काम नहीं हुआ है। डिवाइस की कमी की वजह 3 डिवाइस है, तकरीबन 4,000 लोग हैं यहाँ पे, बहुत मसला हो रहा है। हम यहाँ पे इंटर ऑफिसर हमें लगा हुआ है, कोई मसला हुआ है कटौती वगैरह हम सब इसी के लिए यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन काम नहीं हो रहा है डिवाइस की वजह से। सबसे पहले मैं स्पेशल TV कवरेज टीम के शुक्रगुजार हूँ कि आज मुकदस महीने में आकर यहाँ पर कैंप साइट पे हम लोगों को कवरेज दिया और उम्मीद करते हैं कि हमारे इस पैगाम को कामे बाला तक पहुंचाएंगे। डिप्टी कमिश्नर खारान है और कमिश्नर रक्षा डिवीज़न है, उनसे हम अपील करते हैं कि
यहाँ पे डिवाइस हम लोगों के सिर्फ तीन है, बाकी तादाद हम देख रहे हैं कि 3,000 से ज्यादा तादाद है। खवातीन इस मुकदस महीने में दूर दराज इलाकों से आकर यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के तकलीफ को पेश हो रहे हैं, लिहाजा मुकाम बाला से यही दरख्वास्त करते हैं कि हमारे इलाके इस्तिखारा के कैंप साइट के डिवाइस को बढ़ाकर 3 के बजाय 4-5 कर, ताकि लोगों को एक मुश्किल दरपेश ना आए। पहले 2 सेंटर थे हमारे, 4 सिस्टम थे, अभी सेंटर वो एक क्लोज हुआ था, बाकी यही कैंप साइट शॉपिंग रोड वाला है। यहाँ पर पहले तो 4 डिवाइस थे, अभी 3 है। ये रिक्वेस्ट करते हैं यही 3 को बढ़ाकर 3 के बजाय 6 करें, ताकि लोगों को मजीद मुश्किल पेश ना आ जाए। एक औरत से पूछताछ की, उसने यही कहा कि यहाँ हमसे पैसे की भी कटौती होती है, 500, 200, 300 यहाँ हमसे पैसे की कटौती हो रही है। जब मैंने मॉनिटरिंग ऑफिसर से इस बाबत पूछा तो उसने इस बात की तरदीद करते हुए कहा कि हो सकता है यहाँ पहले पैसे की कटौती हुआ है, लेकिन हम अब इस चीज़ में हम बिल्कुल इसको सख्ती से देख रहे हैं। जी अभी तक मैं यहाँ पे मॉनिटरिंग ऑफिसर में लगाया, पहले तो शायद हुआ है, कुछ लोगों का कहना यहाँ पे कटौती हुआ है 500-300। स्पेशल टीवी से फिर वक्त इतना ही, मज़ीद मालूमात के लिए देखते रहिए स्पेशल टीवी।